स्टूडेंट नूं सब तो पहला ये पता होना चाहिए कि उन्हें करना की है। अजकल बच्चों नूं यही नहीं पता हैगा कि उन्होंने करना की है। ये चीज़ मैं थोड़ा जिहा अगे जा के एक्सप्लेन सोहने तरीके दे नाल करांगा। हर स्टूडेंट कोल अपना एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल कहदा कि असी पूरे दिन दे विच की करना वे। उहदे वास्ते जदों भी सवेरे बच्चा उठदा, मान लो 5 बजे बच्चा उठदा, तां उहदे कोल सब तो पहला डायरी होनी चाहीदी है। डायरी दे विच बच्चा नोट करे कि अज इन्ने तो इन्ने मेरा कॉलेज है या स्कूल है, उस तो बाद मैं आ करना है, इन्ना समा मैं पढ़ाई नूं देना है, इन्ना समा मैं टीवी नूं या खेडां नूं या अपने यारा दोस्तां नूं देना। इत्थे मैं एक चीज़ होर दसनी चाहवांगा कि असी डायरी दे विच इह नोट नहीं करना हैगा कि असी माँ प्यो नूं समा देना वे ना, उह तां पहल दे आधार ते है। जो चीज़ां सानू साढ़े मापे दे सकते ने, जो चीज़ां सानू साढ़े मापे समझा सकते ने, वह कोई नहीं समझा सकता। ता करके दोबारा ये चीज़ कहना चाहवांगा कि मापिया वास्ते समा जिहड़ा वे वह डायरी के उत्ते नोट नहीं करना, आपां उन्हां वास्ते तां हैगे ही हैगे आ। उन्हां कोल बैठो, सगो पुछो, गल्लां बातां करो, बड़ा कुछ सीखण नूं मिलेगा। शायद वह चीज़ा असी भी तुहानूं ना सिखा पाईए जो चीज़ा तुहाडे मापे तुहानूं समझा सकते ने। हाँ, डायरी दे विच तुहाडा इन्ना जरूर नोट होना चाहिए कि इन्ने घंटे असी पढ़ना बहुत जरूरी है, इन्ने घंटे असी पढ़ांगे, आ चीज़ा असी याद करांगे या समझांगे या कुछ भी है, जिवें दा बच्चा जिथे भी पढ़ता पिया वे उस चीज़ के हिसाब के नाल। तो लिखना बहुत जरूरी है। एक चीज़ होर भी बहुत जरूरी है, वह कि चीज़ है कि शाम नूं रात नूं सॉरी जदों असी सौण लगदे आ, वह डायरी फिर चक के वेखो ते उहदे विच इह देखो कि कीड़ी चीज़ रह गई साडे कोलों, किहड़ा टीचा सी अज दा जो असी मिथ्या सी कि असी इन्ने घंटे पढ़ांगे, की असी वह पूरा कर लिया। जे पूरा कर लिया ते तुहानूं नींद बहुत सोहनी आनी चाहीदी है, पर जे वह पूरा नहीं कीता हैगा तां जागो नहीं दे। अपना टारगेट जिहड़ा सवेरे मिथ्या होया वे उहनूं पूरा करो, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੋਰੀ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ, 26-27 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, सवेरे उठता बड़े आराम नाल, शाही ठाठ दे नाल चाह दा बाटा पींदा कि हाँ जी मैनू चाह चाहीदी है, उस तो बाद ग्राउंड चला जांदा है, हाथ च फोन हुंदा वे, उत्थे जा के फोन ते खेडदा की करदा रब जाने। उस तो बाद घर आ जांदा, घर आ के चंगे परौंठे पराठे छकदा वे, काम कोई नहीं करदा हैगा, परौंठे पराठे छकन तो बाद मंजे ते पै जांदा, फिर फोन ते लग जांदा। थोड़ी देर बाद फिर वह ग्राउंड तुर जांदा, गुल्ली डंडा खेडदा, किहड़े बच्चिआं नाल, छोटे छोटे जवाकां नाल, फिर घर आ जांदा, रोटी पानी छकदा, ग्राउंड तुर जांदा, ग्राउंड 'च जा के बांदर गिल्ला खेडदा, उत्थों थक हार के फिर घर आ जांदा, चाह पानी पींदा, थोड़ी देर बैठदा, घरदिआं नूं वी समां दे लैंदा वे, घर दे गालां कढ लैंदे ने कि हाँ जी आह कर लै, वह कर लै, फलाना कर लै, अगों बोलदा नहीं हैगा, लड़दा नहीं हैगा, पुट्ठा नहीं बोलदा हैगा, दारू जरूर पींदा पर पुट्ठा नहीं बोलता हैगा। उस तो बाद शाम नूं फिर ग्राउंड च चला जांदा है। कहिंदे ने ग्राउंड च जाना माड़ा नहीं हैगा, ग्राउंड च जाके फिर फुटबॉल खेडन लग जांदा, रात नूं 9-10 बजे घर वड़ जांदा, कदी सोफी आउंदा, कदी पीती आउंदा, की जिंदगी है। मैं उन्हूं कई बार समझाउंदा वां कि बच्चे कुछ कर लो, करांगे जी, कदों करांगे, जदों बुढ़े हो जाएंगे, नहीं कर सकते असी, क्योंकि सोच ही नहीं हैगी, टीचा ही नहीं हैगा, समझ ही नहीं हैगा, उन्हूं तो यह नहीं समझ आती हैगी कि कल नूं उहदा विआह होना वे, उस तो बाद वह की करेगा, कि उदों भी गुल्ली डंडा खेडी जाऊगा, हो सकता खेडी जाए, यह भी हो सकता कि मन करे 10 साल बाद वह अपने जवाकों नाल गुल्ली डंडा खेडता होवे उसे ग्राउंड दे विच, पर यह गलत है, तुहानूं भी लगेगा कि वाकई गलत है, होना नहीं चाहिए हैगा इदा। बच्चे नूं पता होना चाहिए कि असी करना की है, अज की करना है, साल बाद की करना है। तां करके आदत सानू हुणे तो पानी पेगी कि असी किहड़े तरीके दे नाल किहड़ियां चीज़ां नूं अगे लैके जा सकने हैं ते किवें लैके जा सकने हैं।
ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਬਣੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋ ਕੀ ਕਭੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।